दोस्तों नमस्कार, मैं दितेश आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल पर। और आज हम लोग हैं बाकी डैम में, जो अंबिकापुर से करीब 11 किलोमीटर की दूरी पर है। इसका जो लोकेशन है वो मैं आपको पिन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से क्लिक करके आप यहां आ सकते हैं। बहुत ही मनोरम दृश्य होने वाला है यहां का, जो आप पूरे वीडियो में देखने वाले हैं। तो लोग यहां पिकनिक मनाने के लिए भी आते हैं, और थोड़ी सावधानी आपको रखने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप यहाँ आते हैं तो कुछ वॉल दीवार यहाँ टूटे हुए हैं, इसको नज़रअंदाज बिल्कुल ना करिए। और जैसे लोग यहाँ पे नीचे में पूरा बैठे हुए हैं, एंजॉय कर रहे हैं, अपना पिकनिक जैसा कुछ मना रहे हैं। तो बहुत अच्छा जगह है, बहुत अच्छा लोकेशन आपको यहाँ मिलने वाला है। बाकी डैम खुद में एक बहुत खूबसूरत जगह है। तो हम लोग यहाँ पहुँचे हैं, और क्या सीन हो पाता है, क्या दिखा पाते हैं, वो मैं आपको आगे वीडियो में दिखाने वाला हूँ। सीन है ये, आप देख रहे हैं ना, जब बारिश के समय में यहाँ जब पानी भर जाता है इसपे, तो इसपे पानी ओवरफ्लो होके इसमें जाती है, और यहाँ से होकर के नीचे से इसमें से पासिंग मिल जाता है पानी को। ये बहुत शानदार जगह है, आप लोग इधर आसपास में कहीं पे भी पिकनिक के लिए आ सकते हैं। बहुत सुंदर जगह आपको यहाँ मिलने वाला है। तो यहाँ मैं भी जो बैठा हुआ हूँ यहाँ पे, आप कुछ चैनल देख पा रहे होंगे। तो ये जब इसको रोल करते हैं, इसमें हैंडल दिया हुआ उसको रोल करते हैं, तो इसका गेट जो है वो धीरे से खुलता है, और इससे पानी वापस पूरे गांव में सप्लाई होती है, जो खेती के लिए यूज़ होता है, जो नहर में होकर के जाता है। तो वो है, ये है बाकी डैम। बहुत अच्छा पिकनिक स्पॉट है, आप लोग आ सकते हैं, घूमने देख सकते हैं। फैमिली के साथ अगर आते हैं तो आप नीचे से आइए, ऊपर से आप अगर आते हैं तो वहाँ गाड़ी वाड़ी पार्किंग की जगह बहुत अच्छी नहीं है, और थोड़ा सा जो अगर बोले कि खतरे से भरा है थोड़ा सा, मतलब ये आपको यहाँ जैसे पीछे में मैंने देखा वॉल टूटा हुआ है, तो बच्चों के साथ में अगर आए तो थोड़ी सावधानी रखिए। और जो यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, जो आपको वेदर मिलने वाला है, वो बहुत शानदार है, उसका आप एंजॉय कर सकते। अंबिकापुर से करीब 11 किलोमीटर की दूरी पर ये खूबसूरत सा जगह जो बाकी डैम, तो बाकी डैम खुद में बहुत फेमस है, और बहुत वर्षों से है ये, और यहाँ से ही पानी पूरा जो खेती के लिए आसपास में है वो सप्लाई होती है। आप लोग इसे आ सकते हैं, यहाँ का जो लोकेशन है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लिंक मिल जाएगा, वहाँ क्लिक करेंगे आप गूगल मैप के थ्रू यहाँ आ सकते हैं। हम लोग अभी पहुँचे हुए हैं, और लगभग हमारा वीडियो हो गया शूट। दोस्तों अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। कैसा लगा वीडियो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लीजिए, वंदे मातरम।